हॉराइजन टेक फॉर यू के आज के इस एपिसोड में मैं आपको समझाऊंगा कि ब्लोटवेयर क्या होता है, कैसे वो आपके सिस्टम में अननेसेसरली इंस्टॉल कर दिया जाता है और वो कैसे आपके लिए, आपके डेटा के लिए, आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज के लिए हार्मफुल हो सकता है और आप कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हो, यानी कि इसे इंस्टॉल होने देने से आप कैसे रोक सकते हो। ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टिक अराउंड guys, we're gonna have great fun ahead. Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitij Kumar again here from Horizon Tech for You. और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में मैं आपको समझाऊंगा कि ब्लोटवेयर्स क्या होते हैं और वो कैसे आपके लिए, आपके सिस्टम के लिए, आपके डेटा के लिए, आपके कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज के लिए हार्मफुल हो सकते हैं और अगर आप उन्हें ना रोके तो कैसे वो डेटा करप्ट भी कर सकते हैं, आपके लिए वो हार्मफुल है। और अगर आपको सिस्टम में ब्लोटवेयर्स आ चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए और उन्हें सिस्टम में आने ही नहीं देना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सब आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लोटवेयर की। ब्लोटवेयर है वो, वैसे नाम सुन के आपको थोड़ा सा तो आइडिया आ ही गया होगा कि ये थोड़ा सा कुछ अनवांटेड ही होने वाला है, लाइक वायरस, स्पाईवेयर, मेलवेयर, ठीक है। ब्लोटवेयर है वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अननेसेसरली आपकी, आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं या इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। अगर आप रेडीमेड कंप्यूटर लेके आते हो मार्केट से या इवन फ़ोन्स की भी बात करें, ये सब जगह अप्लाई होता है, नॉट इवन सिर्फ कंप्यूटर्स में, फ़ोन्स में भी। आज किसी भी कंपनी का आप फ़ोन परचेज़ करते हो तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती है जिनका आपको हार्डली कभी यूज़ करना होता है, उनमें से कितनी सारी ऐप्स वहाँ पर इंस्टॉल्ड होती है, प्री इंस्टॉल्ड होती है, उनमें से आप तो कुछ ही यूज़ करते हैं, उनमें से कुछ ऐप्स होती हैं जो आपके काम की होती है, उसके अलावा जो जितनी ऐप्स होती हैं हार्डली आपने कभी उनको टच भी किया होता है, ठीक है। तो इन दैट केस वो ब्लोटवेयर है, ठीक है, वो अननेसेसरीली इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो अगर आप कोई रेडीमेड कंप्यूटर लेते हो किसी कंपनी का, लैपटॉप लेते हो, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड दिए जाते हैं, ठीक है। उनका कुछ ना कुछ लेना देना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, लेकिन वो आपके काम के नहीं होते हैं, ठीक है। और वो दिए इसलिए जाते हैं ताकि अगर आपको एक बार दे दे, जैसे कि फ्री एंटीवायरस, ठीक है, एक साल के लिए आपको फ्री दे दिया जाता है, लेकिन जैसे ही उसका एक साल ख़त्म होगा वो आपको वार्निंग्स देने लगेगा कि अपडेट कीजिए, अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए, उसका जो दूसरे एक साल का जो रिचार्ज करवाना है यानी कि पे करना है वो करवाइए। तो वो ब्लोटवेयर है आपके लिए। और तीसरा जो सिनारियो है वो ये है कि आपने कोई ऐसा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, फ्री यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कंपनी की तरफ से वो फ्री होता है, ठीक है। जैसे कि बात करें जो जिप यूटिलिटी है, विनरार, ठीक है, या विनजिप, आप जब उसे इंस्टॉल करते हो तो वो तो फ्री है, लेकिन उसके साथ ऐसे अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स भी आ जाते हैं, आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है डजंट मैटर, वो इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं ब्लोटवेयर। तो वो अननेसेसरी है आपके सिस्टम में, वो रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये इंस्टॉल हो गए उसके बाद क्या करते हैं, कुछ होते हैं जो इतने रिस्की और इतने हार्मफुल नहीं होते, वो इतना ज़्यादा कुछ परेशान नहीं करते आपके लिए आपको, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपका स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर लेते हैं, आपका प्रोसेसर बिजी रखेंगे, आपकी रैम भर देंगे, रैम का जो स्पेस है वो बिजी रखेंगे रैम को, तो आप रैम का सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नॉर्मल जो यूज़र होता है उसको तो इतना आइडिया भी नहीं आता है, उसके पास ऐसे कोई मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर्स नहीं होते हैं जिसकी मदद से उसे पता चले यार मेरा प्रोसेसर अभी 24 आवर्स वर्क कर रहा है, 100% पे वर्क कर रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा फ्रंट एंड में, फिर भी पीछे वो 100% पे वर्किंग होता है। तो ये ब्लोटवेयर ही कर रहे होते हैं, या इवन रैम ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। जब आपको कंप्यूटर में स्लो डाउन आने लगता है, परफॉर्मेंस में वो डीप आ जाता है, डाउन आ जाता है, तब आपको शायद कहीं अंदाज़ा आता है कि कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो ये अनवांटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एक होते हैं जो सेफली एक हेल्दी तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। और उसे इंस्टॉल भी इसीलिए कर दिया जाता है एक प्रमोशनल एक्टिविटी के तौर पे, यानी कि आपने एक फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसकी तो चलो आपको ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ एक और सॉफ्टवेयर भी आपको चेप दिया जाएगा जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
तो ये हो जाता है और ये फिर आपको परेशान करते हैं। और इन सम केसेस अगर वो ऐसी वायरस एक्टिविटी है कोई, तो आपके डेटा के लिए और एट द एंड ऑफ द डे आपके डेटा के लिए हार्मफुल है, तो आपके लिए हार्मफुल है। आपका डेटा करप्ट कर सकते हैं या आपका डेटा यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन सब का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये जो ब्लोटवेयर्स होते हैं इनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ट्राई कीजिए कि आने ही ना दे, और अगर आ चुके हैं तो एज सून एज पॉसिबल उन्हें रिमूव कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत हार्मफुल हो सकते हैं ब्लोटवेयर। अब बात करते हैं कि इन्हें कैसे प्रिवेंट किया जाए आपके सिस्टम में आने देने से, ठीक है। तो जैसे मैं फ़ोन साइड की बात करूं, फिर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, फ़ोन की बात करें, तो अगर आप उस फ़ोन के एडमिन हो तो आप उन्हें वन बाय वन सिलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर सकते हो, जितनी भी जो ये बेकार की ऐप होती हैं जिन्होंने स्पेस आपका ऑक्यूपाई कर लिया होता है। अब एक हम लो बजट फ़ोन की बात करें, उसमें 8 GB इंटरनल स्टोरेज होता है, उसमें से 4 GB तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के लिए, आपको 4 GB मिलता है। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम को और उसको जो मिला हुआ है, उस 4 GB में से भी ये जो बेफालतू के जो ऐप्स होते हैं उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा होता है, तो वहाँ पर आपका वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जहाँ पर लार्ज स्पेस है जैसे कंप्यूटर की बात करें वहाँ पर तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे पोर्टेबल डिवाइसेज हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इन्हें एज सून एज पॉसिबल रिमूव करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको रूटिंग करनी पड़ेगी, वो सब अलग टॉपिक है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कर सकते हो आप, इन पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर ना करो तो वो इन सम केसेस बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। और अगर आप कोई नया ऐप इंस्टॉल कर रहे हो तब आपको ये खास ध्यान रखना है, आपकी जो परमिशन ली जाती है वो परमिशन किस चीज़ के लिए ली जाती है उसको सही से पढ़ना, और उसको उस ऐप को इंस्टॉल करने से पहले भी उसके रिव्यूज़ पढ़ना, ठीक है। वो अगर ऐसा स्पैम है या ऐसा कोई हार्मफुल कोड है तो उसे रहने ही दीजिए, उस ऐप से दूर ही रहिए, ठीक है। और इवन इंस्टॉल कर रहे हो तो उस ऐप के साथ कुछ तीसरा कुछ इंस्टॉल नहीं हो जाता, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं हो जाता, उसका ध्यान रखना है। अब कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर में भी ऐसा होता है, आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, फ्री यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जैसे, या इवन कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर है, आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, उस कंपनी की तरफ से ऑथराइज्ड होता है, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तो मैंने मेजॉरिटी केसेस में देखा है जो एक नॉर्मल यूज़र होता है उसके लिए इंस्टॉलेशन सेटअप प्रोसेस होता है वो क्या होता है, स्टार्ट करता है नेक्स्ट 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 करके फाइनली जब फिनिश आ जाएगा तो उसे लगेगा हो गया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, लेकिन उसके साथ 2-3 और सॉफ्टवेयर भी चिपका दिए जाते हैं आपको, ठीक है, उसका पता ही नहीं चलता उनको, और वो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, आपका कुछ भी वो कर सकते हैं, उसका स्पेसिफिकली मैं आपको कह नहीं सकता कि वो क्या करेगा, उसको जिसके लिए डिज़ाइन किया होगा वो करेगा, ठीक है। और इवन कुछ भी नहीं करेगा तो भी वो अनवांटेड ही है ना, क्यों हमें उसे इंस्टॉल करें जब हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो सारे ऐसे ब्लोटवेयर्स हैं उन्हें आपको प्रिवेंट करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए आने से। तो जो पहला तरीका है वो ये है, ये जो सारे स्टेप्स हैं इनको आप केयरफुली रीड कीजिए, ऐसा नहीं जो सेटअप प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया फिर नेक्स्ट 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 करते गए, लास्ट फिनिश हो गया तो सेटअप कंप्लीट हो गया, ऐसे नहीं। हर एक स्टेप में उसके इंस्टॉलेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसके हर एक स्टेप में आप कोई भी बटन प्रेस कर रहे हो तो वहाँ पे वो जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करने से पहले भी आपको लगता है कि वो अनवांटेड आ गए हैं, लेकिन आपकी परमिशन से ही इंस्टॉल किए जाते हैं। तो वो जो नेक्स्ट आपने क्लिक किया होता है या यस क्लिक किया होता है या एक्सेप्ट क्लिक किया होता है वहाँ पे वो आपकी परमिशन से इंस्टॉल करते हैं। तो आपको वो हर एक स्टेप को इंडिविजुअल स्टेप को रीड करना है, उसकी परमिशन आपको वो जो वहाँ पे जो लिखा होता है वो पढ़ना है कि वो जो नेक्स्ट हम क्रैक क्लिक कर रहे हैं या यस क्लिक कर रहे हैं या एक्सेप्ट क्लिक कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए है, एग्री क्लिक कर रहे हैं तो वो तीसरे कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के लिए तो नहीं है, ऐसे कोई ब्राउज़र के टूल बार के लिए तो नहीं है, वो आपका ब्राउज़र का टूल बार चेंज कर देगा या आपका डिफ़ॉल्ट जो सर्च इंजन होगा उसको चेंज कर देगा, गूगल आपका डिफ़ॉल्ट है उसको चेंज करके, या ब्लिंग कर देगा, या वो आस्क है आस्क टूल बार, ऐसा जो अनवांटेड बेकार जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो टूल बार इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो ये सारे होते हैं ब्लोटवेयर। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है उसको सही से ऑब्जर्व करना है कि वो आप क्लिक कर रहे हो किस चीज़ के लिए है वो क्लिक, उसको अगर वहाँ पे वो पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको नो करके आगे बढ़ना है उस पूरे तीसरे सॉफ्टवेयर के प्रोसेस में। आपको वो सॉफ्टवेयर तो चाहिए जिसके लिए आप वो प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा जो मिलते हैं वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो आपको स्किप करने हैं जहाँ पे ये जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं इनको इंस्टॉल करने की बात की जाती है वहाँ पे आपको उनको डिक्लाइन करना है, वहाँ पे मना करना है, ठीक है, डिसएग्री करना है, डिक्लाइन करना है, जो भी ऑप्शन हो वहाँ पे, या यस नो है तो नो क्लिक करना है, उसके बाद आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो आपको सिर्फ वही सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत थी, जिसे आपने इंस्टॉल किया है, उसके अलावा जो फ्री बेकार के जो मिल जाते हैं इंस्टॉल हो जाते हैं वो नहीं करने हैं। और मैंने मेजॉरिटी केसेस में देखा है एक जो नॉर्मल यूज़र होता है वो ऐसा ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो फटाफट जल्दबाजी में नेक्स्ट 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 करके ऐसे बहुत सारे इंस्टॉल कर देते हैं, और इवन उनको पता भी नहीं चलता है कि ये बहुत सारे हो चुके हैं, बैकग्राउंड में आ चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं आपके सिस्टम में। तो ये तो पहला तरीका है इन्हें प्रिवेंट करने का, ठीक है, आपको ये जो प्रोसेस है पूरा केयरफुली करना है। अब दूसरा तरीका है, अगर आपने ये नहीं भी किया है केयरफुली, आपने फटाफट जल्दबाजी में कर दिया, तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप नया इंस्टॉल करो उसके बाद
आपका जो विंडोज का डिफॉल्ट जो अनइंस्टॉलर प्रोग्राम होता है, यानी कि प्रोग्राम्स एंड फीचर्स होते हैं जहां पे पूरी लिस्ट दिखाई जाती है कितने प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड है, उसमें आपको जाना है। जैसे ही कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो या नया कोई टूल बाया है, व्हाटएवर, कुछ भी नया इंस्टॉलेशन कुछ ऐड करते हो अपने सिस्टम में, तो वहां पे जाना है और वहां पे जो रीसेंट प्रोग्राम्स होंगे यानी कि उनको डेट वाइज सॉर्ट करना है। जितना भी पूरा लिस्ट होगा उसको डेट वाइज सॉर्ट करना है, तो सबसे ऊपर दिखेंगे जो टॉप में वो होंगे अभी के रिसेंटली इंस्टॉल्ड हुए प्रोग्राम्स। तो उनमें देखना है कि उनमें आपने जो किया है वो उसके अलावा कितने हैं, यानी कि आपने जितने इंस्टॉल किए होंगे विथ योर परमिशन, जैसे कि हम विनरार की बात करें या वीनएम की बात करें या वीएलसी की बात करें, ये जो सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं, उसके अलावा कोई अगर है वहाँ पे, आपको तो पता ही पता, आपने तो नहीं किया था फिर भी है इंस्टॉल वहाँ पे, तो वो ब्लोटवेयर है, उसे एज सून एज पॉसिबल रिमूव करना है। वो आपकी सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है और वो क्या करेगा, वो क्या डैमेज करेगा, वो ही कह सकते हैं जिन्होंने उसको डिज़ाइन किया होता है, ठीक है। तो वो हार्मफुल है एट द एंड ऑफ द डे, उन्हें की ज़रूरत नहीं है तो क्यों रखे हैं हम अपनी सिस्टम में। एज सून एज पॉसिबल उन्हें रिमूव कीजिए, निकालिए सिस्टम से, तो आप अपनी सिस्टम को ये जो सारे क्रैशेज होते हैं उससे बचा सकते हो, और इन सम केसेस वो बहुत हार्मफुल हो सकते हैं आपके डेटा के लिए। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, मुझे ये समझाना था आपको, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि मैं आपको समझाऊं कि ब्लोटवेयर्स क्या होते हैं और उन्हें आने से आप कैसे रोकें। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेरी है, तो मुझे पूछिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स, मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर वीडियोज जस्ट लाइक दिस वन, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर गाइज, लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू सो मच।